नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बना रहे हैं इस तरह की आम, कच्चे आम की और पुदीने से कवर की हुई खट्टी मीठी पाचक गोलियां। तो ये बनानी आसान तो है, साथ में खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने चारों आम का छिलका निकाल लिया है। अब हम इनके छोटे छोटे पीस काट लेंगे और इसके बीज को भी अंदर से निकाल देंगे इस तरह से। अब मैंने चारों आम को काट लिया है, इस तरह से इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने आम को ग्राइंड कर लिया है जो इस तरह से हो चुका है। मैंने पैन में एक चम्मच तेल का, सरसों के तेल का डाल दिया है और हमें इसमें चाहिए डालने के लिए हींग। हींग हम थोड़ा ज़्यादा इसमें डालेंगे। और एक कटोरी गुड़ की है, गुड़ भी आप आम की खटाई को देख के ही डालें। और बड़ा चम्मच काली मिर्च और ये दो चम्मच काला नमक। और ये मसाला मैंने भून के पीस लिया है, जिसमें दो चम्मच जीरे के हैं, एक एक चम्मच अजवाइन और सौंफ का है। तो अब हम इसमें, सबसे पहले हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हींग। और अब हम इसको ग्राइंड किए हुए आम कच्चे, इसमें डालेंगे गुड़ और पिसा हुआ मसाला जिसमें सौंफ, जीरा और अजवाइन है। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और आंच को थोड़ा कम रखेंगे। काला नमक हम इसमें डालेंगे, काली मिर्च और थोड़ा सा सफेद नमक आधा चम्मच। आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि इसमें गुड़ या नमक की कोई कमी हो तो हम टेस्ट करके भी और डाल सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। अब इसमें बिल्कुल पानी सूख चुका है अभी, और हम इसको बिल्कुल गोलियां बनाने के लिए जितना हमें चाहिए उतना हम इसका पानी सुखा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा और हम इसको 2-3 मिनट तक और गैस पे रखेंगे। अब हमारे ये इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, जो आम की खटाई थी बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसको हम एक थाली में निकाल देंगे। अब इसको मैंने थाली में निकाल लिया है और हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हमारा आम का ये पेस्ट ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें, मैंने पुदीने की ऐसी डंठल काट के और उसका एक एक पत्ता निकाल के सुखा लिया था और बाद में मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से पाउडर, पुदीने का पाउडर बन गया है। तो अब मैं इसको भी इसमें मिला दूंगी, इससे हमारा बहुत अच्छा इन गोलियों का फ्लेवर आएगा। तो ये इसमें मैं मिला दूंगी। अब हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। बहुत अच्छी पुदीने की खुशबू आ रही है और इन गोलियों में मिलाने से इनका स्वाद बहुत बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। अब मैंने इतना सा पेस्ट हाथ में ले लिया है और मैं इसको पुदीने के ही इसमें बारीक, ये मैंने इसका पुदीने का जो पीस के चूरा बनाया है उसी में इसको कवर करके रखूंगी। वैसे तो हम चीनी के बूरे में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो हमारी गोलियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो
बहुत गर्मी होने के कारण शायद इसलिए ऐसा होता है। तो इस बार मैं गोलियों में इसी का पुदीने का ही कवर चढ़ा रही हूँ, तो हम इससे हम इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और फिर एक दूसरे के साथ ये चिपकेगी भी नहीं। अब हमारी आम और पुदीने की ये पाचक गोलियाँ बन के तैयार हैं। अब मैं इनको एक एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में या किसी ठंडी जगह में रख दूंगी। अगर हम इनको बाहर रखेंगे तो गुड़ और आम की खटाई होने से ये थोड़ी मेल्ट हो सकती हैं, इसलिए हम इनको फ्रिज में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी जरूर इस तरह से पाचक गोलियाँ घर पर बना सकते हैं। थैंक यू।